आती थी तो रो पड़ती थी मेरी माँ, खास आज उठकर खड़ा होकर ये बोल पाता कि बस सोही तो रहा था मेरी बोली माँ। सरहदों की सेवा करते हुए, लद्दाख में माँ भारती की सेवा करते हुए, सड़क दुर्घटना में सेना के नौजवान शहीद हो गए थे, जिनमें हरियाणा के रोहतक का जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, रोहतक के गद्दीखेड़ी का जवान अंकित राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया लेकिन देश पर कभी आँच नहीं आने दी। अंकित ने 2019 में फौज में भर्ती हुए थे, वह 311 मेड रेजिमेंट में तैनात थे। देश के अनेक हिस्सों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। नमन ऐसे वीरों को जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। उन्होंने देश के अनेक हिस्सों में काम किया लेकिन दुर्गम इलाकों में भी उन्होंने बहादुरी से अपना कार्य निर्वहन किया, दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम किया। चाहे तपती धूप हो या बाढ़ का क्षेत्र, सभी में डटकर अपने खून के एक एक बूंद देश के लिए न्योछावर कर दी लेकिन देश पर कभी आँच नहीं आने दी। भला ये देश उनका कर्ज कैसे चुका पाएगा। नमन ऐसे वीरों को, नमन उन माता पिताओं को जिन्होंने अपने लाडले बेटे को सरहदों पर देश की सेवा के लिए भेजा। सो सो सलाम उन वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने चांद को सरहदों पर भेजा और देश के लिए अपने चांद को खोज दिया। आज ऐसी वीरांगनाएं हैं तभी सरहदें महफूज है। इनका समर्पण बलिदान ये देश कभी नहीं चुका पाएगा। आज शहीद अंकित की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में हजारों लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारत माता के जयकारों के साथ अंकित आज पंतत्व में विलीन हो गए। अब वो फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे, आएंगे तो उनकी यादें आएगी। नमन है ऐसे वीरों को जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व बलिदान दिया है। सलाम करता है HR News 24 शहीद अंकित को।